Okay, friends, we will take a revision from exercise 21. Okay, then 21 tenses का ये revision है, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से इस तरह के questions आते हैं exam में और आप किस तरह solve करेंगे. Okay, then ये 21 वाला देखिए आपका. इसमें है द लेसन विल एंड व्हेन द वेल. व्हाट विल बी यूज हियर, टेल मी क्या आएगा इसमें. रिंग्स क्यों आएगा ये रिंग्स, टेल मी रिंग्स क्यों आया. विल हैव रंग या विल रिंग क्यों नहीं आया. यस कैन यू टेल. एक्चुअली क्या है जो लर्न हो जाते हैं वो आप लोग. हाँ बताइए. पास्ट इंडेफिनिट है और वैन भी आ रहा है. अच्छा पास्ट इंडेफिनिट है. विल एंड देखिए इधर द लेसन विल एंड ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. फ्यूचर ओके. अब यहाँ पर देखो आगे देखो. अब इसमें क्या आता है, एक फॉर्मूला चलता है ना कि ये केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो इसलिए ये रिंग्स आएगा. हमने आपको इफ क्लॉज के बारे में भी बताया था, नॉर्मली सेंटेंसेस के बारे में भी बताया था, जिसमें रिंग्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लिखा हुआ है इन द सेम मैनर. जब दूसरा मिलेगा हमको दूसरा क्लॉज होगा, उसके अंदर हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. ओके आगे समझ में आपके. अब इसी तरह के क्वेश्चंस आया करेंगे एग्जाम्स में ऑलमोस्ट, और आपको ये बात बोर्ड में भी और ट्वेल्थ में भी आएंगे इस तरह के क्वेश्चंस. नेक्स्ट, इफ आई हैड गोन टू आगरा आई, क्या चीज आएगी इसमें बताइए. द ताज, कौन सा क्लॉज है ये, किसी को कुछ भी याद नहीं है. Had plus थर्ड फॉर्म आती है इफ क्लॉज में, तब सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या लेता है, would see, would have seen. दोनों में से चलिए ये रहने दीजिए, ये दोनों नहीं आएंगे, बट इन दोनों में से बताइए क्या है यहाँ. Would have seen. Would have seen. Yes, would have seen. क्यों आया, क्योंकि इसमें क्या चलता है फॉर्मूला कि अगर इफ क्लॉज के अंदर अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो सबॉर्डिनेट क्लॉज में वुड हैव, शुड हैव और कुड हैव आता है, इसीलिए वुड हैव सीन यूज किया गया है. ओके देन डू यू नो द लेडी हु डैश आउट. अब इसमें आपको बताना है कि व्हाट विल बी यूज हियर, हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे बताइए. Do you know? पता है आप लोग को क्या यूज करना है, जल्दी बताइए कौन सा टेंस है. टेंस कौन सा है, क्या रिमाइंड होता है इससे. डू यू नो द लेडी, हेलो विच टेंस इज यूज हियर. सुनिधि प्रेजेंट इंडेफिनिट. यस प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू और डस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है. ठीक है अब यहाँ पर डू यू नो द लेडी हु डैश. अब इसमें आपको पता चल गया कि दो तो नहीं यूज होंगे, कौन कौन से. एक तो वेंट आउट नहीं आएगा, क्योंकि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसका मतलब वेंट आउट नहीं आएगा. क्लियर. अब इसके बाद हमें ये भी पता चल गया कि हैड प्लस नहीं आ सकता क्योंकि पास्ट टेंस में आता है हैड. ओके देन हमको इन दोनों में से एक डिसाइड करना है. क्लियर समझ आ रहा है. तब हम क्या करेंगे इसमें से, अब जस्ट गॉन तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब की नीड है. ओके अब जब हमें हेल्पिंग वर्ब की नीड है तो इसलिए
जस्ट गॉन नहीं आ सकता, पता ही आपको। अब यहाँ पर क्या करें हम, who has just gone, आ गया सही आंसर, जो कि अभी अभी, do you know the lady, क्या तुम उस लेडी को जानते हो जो कि अभी अभी बाहर गई है, has just gone, okay, who has just gone, ही आएगा, clear to you, next, next में देखिए आप, if were a bird, नहीं यहाँ पर, if I were a bird, अगर मैं एक पक्षी होता, I dash fly, क्या आएगा इसमें से बताइए, well, would have, would, only would, yes, would आएगा, क्योंकि जब verb की second form use होती है, और ये क्या है, verb की second form, है ना, verb, और ये कैसा कंडीशन है, हाइपोथेटिकल कंडीशन, इट मींस इसमें रियलिटी नहीं है, और जहां पर रियलिटी नहीं होती है वहां पर क्या होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है आई के साथ में, ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो आई बार आया है इसलिए यहां पर क्या होगा, आई वुड फ्लाई, क्लियर टू यू, हेलो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू यू, ध्यान से पढ़िए, नेक्स्ट 25 नंबर का देखिए, आई विल कम विद यू एज सून एज आई डैश माय बर्थ, हमने आपको बताया था एज सून एज क्या लेता है, एज सून एज वाले में क्या आता है बताइए, जल्दी बोलिए, विल फिनिश आ सकता है क्या, विल फिनिश, जल्दी बोलो, विल फिनिश यूज हो सकता है क्या, होने, विल फिनिश यूज हो सकता है क्या, आई विल कम के साथ में एज सून एज लगाने के बाद, यस मैम, क्यों, कैसे यूज होगा ये बताओ, क्योंकि विल ऑलरेडी यूज किया हुआ है तो दोबारा से विल यूज करेंगे क्या हम, नहीं, फिर है शैल की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये भी नहीं होगा, फिनिशिंग हो सकता है क्या, नहीं, पहले हाँ, जब हम चार ऑप्शन में से ढूंढेंगे ना तो हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा, हम तो पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से नेगेटिव है, कौन कौन से नहीं आ सकते हैं, फिर हम उसके नियर बाय पहुंचते हैं और नियर बाय पहुंचने के बाद डिसाइड करते हैं कि कौन सा परफेक्ट है, ऐसे आपको चार ऑप्शन मिलते हैं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो दैट इज वाई यहाँ पर आएगा फिनिश, क्योंकि फिर वही बात है कि आई फिनिश के अंदर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ओके, और इसके सबॉर्डिनेट में क्या आ गया, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये फॉर्मूला ही चल रहा है इसके अंदर भी, नेक्स्ट, क्योंकि दो बार विल नहीं आएगा, प्लीज वेट हियर टिल इट डैश रेनिंग, चलिए बताइए क्या यूज होगा इसमें, बोलिए, प्लीज वेट हियर टिल इट डैश रेनिंग, बोलो क्या लग रहा है सुनिधि, किस चीज, कौन सी थी यूज हो सकती है, अब पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे यहाँ, यहाँ पर क्या यूज हो रखा है, वेट, ओके, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्लियर, समझ आ गया, अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि आगे क्या यूज करें, प्लीज वेट हियर टिल इट, क्या करूं बताइए, क्या लिखना है अपने को आगे, स्टॉप्स, नहीं तुम्हें आएगा समझ में तो मैं बताती हूँ,
टिल इट स्टॉप्स रेनिंग। क्यों आया स्टॉप्स रेनिंग, इसका रीजन बता रही हूं मैं, सुनिए। क्योंकि विल स्टॉप होगी, ये कंफर्म नहीं है, होती है। ओके यहाँ पर सेंटेंस पे जाइए, वो क्या बोल रहा है, प्लीज वेट हियर, प्लीज यहाँ पर वेट करो, टिल इट स्टॉप्स रेनिंग, जब तक ही बारिश बंद होती है। ओके तो इसका मतलब ये नहीं है, ये कंफर्मेशन है कि बारिश बंद होगी। ओके दैट्स व्हाई विल स्टॉप नहीं आएगा यहाँ पर, और इसमें यूज होगा स्टॉप। नेक्स्ट, आई वेंट टू स्कूल आफ्टर आई डैश माई ब्रेकफास्ट। तो देखिए इसमें क्या है, आई वेंट टू स्कूल, क्या हुआ वर्ब का सेकेंड फॉर्म, अब इसके बाद आफ्टर आई, वो कह रहा है वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई है, वेंट टू स्कूल, आफ्टर के बाद में हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला क्या चलता है, ये कौन सा टेंस है हम ये देखते हैं पहले, ये टेंस आपका पास्ट टेंस है, तो अब हमें ये देखना होगा कि किस कौन सी चीज ऐसी है दूसरी जो कि हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें आई हैड माय ब्रेकफास्ट, तो अगर हम ये हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो मेन वर्ब कहाँ आएगा, नहीं आएगा, वुड हैव यूज हो नहीं सकता, यहाँ पर वुड हैव हैड अगर यूज होता तो हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यहाँ पर होती तो वुड हैव हैड यूज हो सकता था, इसलिए ये नहीं आएगा। टू बी बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि इससे कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर यूज करने का। देन अपने पास दो ऑप्शन लगे, हैड हैड और हैड, हैड हैड यूज होगा, ये किस लिए यूज होगा हैड हैड, आपको ये पता होना चाहिए कि जब इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की जरूरत है, जब दोनों चीजों की जरूरत है, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, आफ्टर उसके बाद मैंने आई हैड हैड माय ब्रेकफास्ट, अपना ब्रेकफास्ट किया। ओके देन हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब हैड यूज हुआ। नेक्स्ट, आई डैश अ नॉइज इनसाइड द हाउस। अब इसमें आपका हियर आया है, हियर एच ई ए आर, हियर मैं, आई एम हियरिंग नहीं हो सकता क्योंकि हियर जो है वो आई एन जी नहीं लेता है। ओके वाज हियरिंग नहीं होगा क्योंकि हियरिंग यूज हुआ है। उसी तरह से इसमें भी हमको अच्छी तरह से पहले से ही पता है कि हियर कहीं भी आई एन जी नहीं लेता है, तो दैट्स वाई हमको क्लियरली सिंपली वी शुड नो कि यहाँ पर हियर आएगा क्योंकि हियर कभी भी आई एन जी का यूज नहीं करता है। ओके वैन ही कैम इन, नेक्स्ट वैन ही कैम इन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है यहाँ पर, जब वह अंदर आया। ओके तो इसमें मैं क्या कर रहा था, इट मीन्स अब ये देखिए कंटिन्यूअस टेंस की तरफ इशारा करता है क्योंकि हैड रिट नहीं हो सकता, पढ़ चुका था नहीं हो सकता, जब मैं अंदर आया तब ऑन द टाइम मैं क्या कर रहा था। ओके देन वुड रन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, देन दो है इसमें से ऑप्शन, रीड और वाज रीडिंग, वाज रीडिंग, यस वाज रीडिंग इज करेक्ट बिकॉज ऑफ रीड जो है प्रेजेंट फॉर्म में यूज होगा, तो दैट इज व्हाई यहाँ पर वाज रीडिंग, व्हेन ही कैम इन द कैम इन या फिर कैम इन द रूम, आई वाज रीडिंग अ बुक, मैं क्या कर रहा था उस समय, बुक पढ़ रहा था। वैसे ही फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो कई बार हैड रीड भी लेती है, ऐसी वर्ब ने हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लेती है, लेकिन यहाँ पर मूविंग एक्टिविटी है, इट मीन्स कंटिन्यूइंग एक्टिविटी है, दैट इज व्हाई वाज रीडिंग का यूज किया गया है। ओके सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड इट एंड आफ्टर इट टुमारो आई विल एक्सप्लेन सम मोर
एंड टुडेज टाइम इज ओवर. थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू. थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू मैम. ओके.